हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इनिशिएट किया था केमिकल इक्विलिब्रियम और हमने देखा कि इक्विलिब्रियम क्या है और इक्विलिब्रियम को हम मैथमेटिकली या यूं कहें कि थर्मोडायनेमिक्स के एस्पेक्ट में कैसे, काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के एस्पेक्ट में कैसे डिफाइन करते हैं। तो हमने देखा कि जैसे किसी एक डायरेक्शन में चलने वाली रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट होता है, वैसे बाई डायरेक्शनल मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हो, जब इक्विलिब्रियम रिटेन हो जाता है तो उसके बाद में हम जो कांस्टेंट यूज़ करते हैं उसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम कंसंट्रेशन यूज़ कर सकते हैं या अगर गैसीयस सब्सटेंस है तो प्रेशर यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर के एस्पेक्ट में जब हम आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं तो केपी से रिप्रेजेंट करते हैं और जब कंसंट्रेशन के एस्पेक्ट में करते हैं तो केसी से करते हैं। तो हमने केपी केसी की जनरल कैलकुलेशन देखी। अब हम अगर एक्चुअल किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहें, एक्चुअल किसी केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें तो उसका हम केपी कैसे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे या कैसे हम उसे निकालेंगे, डेराइव करेंगे, उसको समझने के लिए हमें ज़रूरी है एक टर्म समझना, वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। आपने जो सब्सटेंस लिया उसमें से कितना सब्सटेंस कंज्यूम हुआ, प्रोडक्ट साइड में कितना सब्सटेंस गया, वो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाती है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, या बेटर वर्ड इनिशियल, इनिशियल कितने थे, मतलब वियोजित मोल कितने हैं, मोल्स ऑफ सब्सटेंस जो वियोजित हो गया, वियोजित जो वियोजित हो गया उसके मोल कितने हैं और इनिशियली प्रारंभिक कितने थे, प्रारंभिक मोल कितने थे, उनका जो रेशियो है, तो मान लो x वियोजित हुए और जो शुरुआत में थे उसके कंपैरिजन में, और मान लें हम कि शुरू में ए मोल थे, तो हम कह सकते हैं अल्फा इज़ नथिंग बट एक्स अपॉन ए। और इस तरीके से जो वियोजित मोलों की संख्या है वो वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और प्रारंभिक मोलों का गुणनफल होती है। आपको अगर मोल्स निकालने हो तो इस तरीके से निकाले जा सकते हैं। इसको हम इस तरीके से डेफिनेशन के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नथिंग बट द डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल्स। उसको समझने के लिए हम एक जनरल रिएक्शन देखें, एक एग्जांपल लें कि ए प्लस बी ने रिएक्शन की, सी प्लस डी बना। अब मान लें आप कि ए के एक्स मोल वियोजित हुए, ए के एक्स मोल वियोजित हुए, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे इनिशियल इसका ए है, मान लें इसका बी है, इसका सी है और इसका डी है। ये इनिशियल आपके पास अगर, सॉरी सी प्लस डी तो होगा ही नहीं, इनिशियल ये बना ही नहीं, ये ए प्लस बी है और अभी इसको थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, और ये सी मान लो आपका कोई प्रोडक्ट बनता है, तो ए और बी, तो ए में से एक्स माइनस हुआ और ए और बी की स्टोकियोमेट्री क्या है, बिल्कुल सेम है। अगर ए और बी की स्टोकियोमेट्री सेम है तो इनके वियोजित मोलों की संख्या भी क्या होगी, समान होगी, तो बी में से भी उतना ही जाएगा और चूंकि सी जो है वो उतना ही बनेगा जितना ए और बी, तो ये कितना हुआ एक्स। अगर मैं ये चीज़ बी के लिए लिखूं तो भी बी का अगर एक्स टूटा है तो दोनों की स्टोकियोमेट्री ठीक है, तो एक्स का भी कितने मोल वियोजित हुए एक्स और ये एक्स बना। अब मैं कहूं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ए के लिए क्या है, अल्फा है, तो कैसे लिखेंगे आप, ए उसमें से अल्फा वियोजित हुआ, तो अल्फा वियोजित हुआ, अल्फा किस पे डिपेंडेंट होगा, वियोजित टोटल मोल किस पे डिपेंडेंट होंगे, उसकी प्रारंभिक सांद्रता पे, तो अल्फा इंटू ए माइनस, जितना ये वियोजित होगा उतना ही ये वियोजित होगा, तो यहां पर भी आप क्या लिखेंगे, बी इंटू अल्फा ए, और ये बनेगा कितना, बनेगा भी अल्फा ए, ए अल्फा या अल्फा ए। तो वियोजित होने वाले जो मोलों की संख्या है उसको कौन तय कर रहा है,
ए तय कर रहा है, क्योंकि एक हमें जो दिया गया है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका दिया, ए का। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बी का दिया हो तो आप कैसे लिखेंगे, बी माइनस बी अल्फा, इस तरीके से लिखना ज़्यादा ठीक है, अल्फा बाद में लिखा जाए, बी माइनस बी अल्फा। तो ए और बी की स्टोकियोमेट्री सेम है तो यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा, बी अल्फा, और कितना बनेगा, बनेगा बी अल्फा। इस बात को समझे आप, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो जितना इसमें से डिसोसिएट होगा, स्टोकियोमेट्री सेम है तो उसी अनुपात में, अगर यहाँ दो होता तो ये डबल होता, अगर यहाँ स्टोकियोमेट्री चेंज होती तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी चेंज होता है। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आप समझ पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल लूँ ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी गिव्स टू सी। अब आपको ये कहा गया है कि ए का एक्स वियोजित हुआ, ए का एक्स वियोजित हुआ, तो ए माइनस एक्स मोल, वियोजित मोलों की संख्या है एक्स, ए माइनस एक्स, तो बी में से सॉरी ए स्मॉल ए लिखते हैं अपन, कंसंट्रेशन है बी, तो इसमें से क्या होगा, इसकी स्टोकियोमेट्री डबल है तो इसमें से डबल वियोजित होगा और डबल ही बनेगा, तो ये होगा 2x, ठीक है। अब आपको ये दिया गया कि b के x मोल है तो b में से x, तो आप ये देखें कि a जो है b के कंपैरिजन में हाफ स्टोकियोमेट्री रखता है, तो इसे किस तरीके से लिखेंगे आप, a x माइनस x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि b की तुलना में a आधा ही काम आएगा, अगर जब दो मोल b के काम आ रहे हैं तो इसका एक मोल ही काम आएगा, तो इसके दो काम आ रहे हैं तो 2/2 एक ही काम आएगा, तो आप क्या लिखेंगे x बाई 2, इसकी स्टोकियोमेट्री सेम है तो यहाँ आप क्या लिखेंगे x। ऐसे ही आपको ये दिया गया हो कि जो a है वो अल्फा वियोजित हो रहा है, ए है उसके वियोजन की मात्रा अल्फा है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो आप लिखेंगे ए माइनस ए अल्फा। अब आप ये देखें ये जो बी है इसके कंपैरिजन में डबल यूज हो रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी माइनस टू ए अल्फा, आप लिखेंगे बी माइनस टू ए अल्फा, इसका ए अल्फा यूज हो रहा है तो इसका 2 ए अल्फा यूज होगा क्योंकि इससे डबल है स्टोकियोमेट्री, तो ये बनेगा भी कितना, 2 ए अल्फा, ठीक है बात। अब अगर b का अल्फा यूज हो रहा हो तो हम लिखेंगे b माइनस b अल्फा, तो a का कितना होगा, a माइनस b अल्फा, लेकिन इससे आधा तो डिवाइडेड बाई 2, यहां आएगा b अल्फा, क्यों, क्योंकि इसकी स्टोकियोमेट्री और इसकी स्टोकियोमेट्री सेम है, तो ये बात क्लियर होती है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा अलग चीज़ है और डिसोशिएटेड मोल अलग चीज़ है, तो यह जो एक्स है ये डिसोशिएटेड मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, हमें पता है इतने मोल यूज़ हो गया, यहाँ आपको पता नहीं है कितने मोल, आपको ये पता है कि उसमें से कितना हो गया उसके कंपेरिजन में, इनिशियल कंसनट्रेशन के कंपेरिजन में कितना तो हुआ, तो आप जब उसको इनिशियल कंसनट्रेशन से मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा डिसोशिएटेड मोल। तो अगर ए का एक मोल डिसोशिएट हुआ तो बी का कितना होगा, 2 मोल होगा, ए का एक मोल हुआ तो बी का 2 मोल होगा, और अगर बी का एक मोल हुआ है तो ए का आधा होगा, बी का 2 मोल हुआ है तो ए का आधा होगा। इसको एक एग्जांपल और लें हम, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे आपको दे रखा हो 2a प्लस 3b प्लस सी इक्वल्स टू सी प्लस 2d, और आपको शुरू में दे रखा है a का x मोल यूज हुआ, तो जब a का x यूज हुआ तो हम लिखेंगे a माइनस x, और b, तो b का आप देखें b और a में जो रेशियो है वो क्या है, 3:2 है, तो 3/2 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई, जो इसका है वो डिवाइड होगा। अब जैसे हम यहां देखें
इस वाले एग्जांपल को या इस वाले एग्जांपल को, यहाँ x है इसका कितना था 1, तो x इंटू सॉरी x डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, तो 2x आ गया। यहाँ क्या हुआ, ये कितना है 3, तो इसका 3 और इसका कितना था 2, तो इसके कंपैरिजन में डेढ़ गुना ही तो यूज़ हो रहा है, वही हमने लिखा है 3/2, भाई 2 की तुलना में 3 उसका डेढ़ गुना है, 1.5 times है, तो वही किया हमने 1.5 times ऑफ x यूज़ होगा। ये अगर 1 यूज़ हो रहा है तो ये 1.5 हो रहा है, यही हमने लिखा है 1.5। तो लिखने का तरीका क्या है कि जो इसकी स्टोकियोमेट्री है वो मल्टीप्लाई हो, जो इसकी स्टोकियोमेट्री जो आपको गिवन है उस कंपाउंड की स्टोकियोमेट्री है वो डिवाइड होगी। अब आप ये देखें C, तो ये बनेगा x बाई 2 और इसकी स्टोकियोमेट्री सेम है, तो ये क्या आया 2/2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा x। अब आपको दे रखा हो कि B जो है उसका x यूज़ हो रहा हो, B जो है उसका x यूज़ हो रहा हो, तो कैसे लिखेंगे B माइनस x, तो a माइनस x मल्टीप्लाइड विद 2/3, बिल्कुल। अगर ये 3 यूज़ हो रहा है तो ये उसका उसकी जगह 2 यूज़ हो रहा है, अगर ये 1 यूज़ हो रहा है तो ये उसका 2/3 यूज़ हो रहा है, 2-3 की कंपैरिजन में क्या है उसका 2/3 है, तो 2/3 यूज़ हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे 2/3 x। अब आप c की बात करें तो c x, इसकी स्टोकियोमेट्री 3 times है, डिवाइडेड बाई 3, इसकी स्टोकियोमेट्री 3 times है, सॉरी 2/3 है, तो ये होगा 2/3 x। तो जिसके लिए लिख रहे हैं उसकी स्टोकियोमेट्री मल्टीप्लाई होगी और जिसके कंपैरिजन में लिख रहे हैं उसकी स्टोकियोमेट्री डिवाइड होगी, तो आपके पास इक्वेशन बनती है इस तरह की। अब आपको अगर ए का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है अल्फा, तो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे a माइनस a अल्फा। b के लिए लिखना हो तो b माइनस a अल्फा, इसकी स्टोकियोमेट्री डिवाइड होगी और इसकी स्टोकियोमेट्री मल्टीप्लाई होगी, तो 3/2 a अल्फा। c के लिए लिखें तो c की स्टोकियोमेट्री इसकी स्टोकियोमेट्री की हाफ है, तो आप लिखेंगे कितना बना x/2 बना, इसकी स्टोकियोमेट्री सेम है, तो x की जगह क्या आएगा a अल्फा, यहाँ क्या आएगा a अल्फा, क्यों, क्योंकि दोनों की स्टोकियोमेट्री सेम है। अब जो है आप b के कंपैरिजन में देखें कि अल्फा डिसोसिएशन है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आप लिखेंगे b माइनस b अल्फा, तो a माइनस b अल्फा सॉरी b अल्फा, तो ये क्या है इसका 2/3 है, तो 2/3, यहाँ लिखेंगे आप b अल्फा डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि इसका 1/3 है और इसका भी 2/3 है, तो 2/3 b अल्फा। तो ये हुआ रिप्रेजेंटेशन का तरीका। अब आपको जैसे इस इक्वेशन के लिए हम बात करें, आपको इस इक्वेशन के लिए मान लो ये बात करते हैं, हम a के लिए आपको दे रखा है और टोटल वॉल्यूम है v, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हुई इक्विलिब्रियम पे, a माइनस a इक्विलिब्रियम का ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये देख रहे थे हम जो देख रहे थे वो इक्विलिब्रियम पे देख रहे थे, तो इक्विलिब्रियम पे ये x डिसोसिएट हुआ और ये x बन गया है, क्योंकि दोनों की स्टोकियोमेट्री, तो इसका भी x डिसोसिएट हुआ, तो आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसके लिए, अगर लिखेंगे KC = तो आप लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, तो A क्या है A माइनस x, वॉल्यूम कितना किस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम, तो पूरे सिस्टम का वॉल्यूम है वो डिवाइड होगा, तो आप लिखेंगे x डिवाइडेड बाई v अपॉन a माइनस x डिवाइडेड बाई v इंटू b माइनस x डिवाइडेड बाई v, तो x अपॉन a माइनस x b माइनस x, ये v एक v कैंसिल, ये v बचा ये ऊपर चला जाएगा इंटू v, तो आपकी kc की वैल्यू क्या आई v x डिवाइडेड बाई a माइनस x इंटू b माइनस x, ठीक है। तो ये सिंपल बहुत सरल तरीका है, आराम से किसी भी
इक्वेशन के लिए उसका के पी और के सी लिखने का, डेराइव करने का, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप इक्वेशन डेराइव कर रहे हैं उसमें किस रिएक्टेंट के कंपैरिजन में डिसोशिएट हुआ है। तो आपको दिया होगा कि एक ए का इतना मोल डिसोशिएट हो गया, तो जब आपको मोल दिया स्पेसिफिक, देन आपको दिया डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, सॉरी डिसोशिएटेड मोल। आपको ये कहा जाता है कि इसका 7% या 3%, तो परसेंटेज में दे दिया, दैट मीन्स ए 100 है, अल्फा उसका परसेंटेज है इनटू ए, तो जो जितना मान लो ये 100 है 7%, तो 7.07 × 100 या 7/100 × 100, तो 7 का मतलब, तो ये बच गया 93 और ये 7 बन गया। तो ये किसके कंपैरिजन में आप कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डील कर रहे हैं या डिसोशिएटेड मोल को डील कर रहे हैं। डिसोशिएटेड मोल को डील कर रहे हैं तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, लेकिन आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो जिस कंपाउंड के कंपैरिजन में दिया गया है उसकी कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन से वो मल्टीप्लाई होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो दिस इज द वे हाउ एट इक्विलिब्रियम यू डिज़ाइन योर कंसंट्रेशंस। तो ये कंसंट्रेशन अब आपको पता लग गया इक्विलिब्रियम पे, इसकी कंसंट्रेशन जब बी के रेस्पेक्ट में क्या है, ए माइनस बी अल्फा, ये हो गई बी माइनस बी अल्फा, ये हो गया बी अल्फा, अगर टोटल वॉल्यूम है उससे आप डिवाइड कर दो तो आपको के सी मिल जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ करेंगे, यहाँ 2B है, अगर इसके लिए आपको इक्वेशन लिखनी है, देखें आप एक एग्जाम्पल, अगर मुझे इसके लिए के सी लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, C की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A की कंसंट्रेशन इंटू V की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो मान लो ये हम ये ले रहे हैं B के कंपैरिजन में दे रखा है, तो A माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई V, तो 2A माइनस एक्स अपॉन V, यहाँ क्या होगा B माइनस एक्स अपॉन V का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा x अपॉन v का स्क्वायर। तो आप ये पुट करेंगे जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन होगी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें या डिसोसिएटेड मोल की बात करें, और आप अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिसोसिएटेड मोल की बात करें तो किस रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, किस रिएक्टेंट के आस्पेक्ट में बात हो रही है, किसके संदर्भ में बात हो रही है, जिसके संदर्भ में बात होगी उसके हिसाब से इक्वेशन डिज़ाइन होगी। फिर डिज़ाइन इक्वेशन को जनरल के सी के पी के फॉर्मूला में आप रखेंगे तो ईजीली आप उसका जो इक्वेशन है वो डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेज में हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे HI का डिसोसिएशन है, PCl5 का डिसोसिएशन है Cl2+PCl3 में, तो उनके लिए किस तरीके से इक्वेशंस लिखी जाती हैं तो नेक्स्ट क्लास में वो देखेंगे। ओके, थैंक यू।